दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmitgsmtool.com पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम की टूल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैम की टूल किस यूज़ के लिए आता है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं सैम की टूल के बारे में कि ये किस लिए, क्या वर्क के लिए आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सैम की टूल जो आता है वो आपको स्पेशली सैमसंग मोबाइल फोन के कंट्री अनलॉकिंग के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। जो सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं जिसमें कंट्री अनलॉक लगा हुआ है, उसके लिए बेस्ट काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कंट्री अनलॉकिंग के लिए और कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सैमसंग कंट्री अनलॉकिंग के लिए आपको मिल जाता है दोस्तों सिम कार्ड्स मिल जाते हैं, कुछ सिम कार्ड आते हैं जिससे आप कंट्री अनलॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आपको मिल जाता है Z3 Xbox में भी आप इसमें क्रेडिट परचेस करके आप Z3 Xbox से भी कंट्री अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑक्टोपस बॉक्स आता है, ऑक्टोपस बॉक्स में भी आप क्रेडिट लेके अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है जुमास डोंगल का, जुमास डोंगल में भी आप क्रेडिट उसमें आपको फ्री मिलता है, जुमास डोंगल में 80 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं, उसके जरिए भी आप कंट्री अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे हैं सैम की में भी आप कंट्री अनलॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये 4-5 ऑप्शन इसलिए आपको बताया कि ये 4-5 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सैम की का। तो सैम की क्यों बेस्ट है हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सैम की में फर्स्ट थिंग, तो आपको कोई डोंगल या बॉक्सेस आपको परचेस नहीं करने होंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्रेडिट परचेस करना है। क्रेडिट परचेस करके आप डायरेक्टली सेटअप फाइल डाउनलोड करके आपको जब मिनिमम आपको तीन क्रेडिट परचेस करना होता है। जब आप तीन क्रेडिट परचेस करते हैं तो उसके साथ में ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आप डायरेक्टली इनका मेन न्यू सेटअप डाउनलोड करके उसे आप डायरेक्टली लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए आप उसे लॉग इन कर सकते हैं। यानी आपको इसमें ना कोई बॉक्स परचेस करने की जरूरत है, ना ही दोस्तों इसमें कोई अलग से एक्टिवेशन का पैसा देने की जरूरत है। बस आपको क्रेडिट परचेस करना है और डायरेक्टली इसे यूज कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो टूल है इसमें कंट्री लॉकिंग के लिए फीचर्स क्यों बेस्ट है। तो दोस्तों, इसमें ना ही आपको फोन रूट करने की जरूरत होगी, आपको कंट्री अनलॉकिंग के लिए फोन को रूट करने की भी जरूरत नहीं होती है, ना ही इसमें फ्लैश फाइल की जरूरत होती है, ना ही फोन को डाउनग्रेड करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इसके लिए ये बेस्ट टूल है। ऐसे दोस्तों काफी लोग सिम यूज करते हैं कंट्री अनलॉकिंग के लिए, बट दोस्तों ये सिम जो है वो रिस्की है क्योंकि उसमें आपके कितने फोन अनलॉक होंगे ये आपको पता नहीं होता। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सैम की में एक फोन में सबका जो क्वेश्चन होता है कि एक फोन में कितने क्रेडिट कटते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप सैम की में क्रेडिट लेते हैं तो मिनिमम आपको 3 क्रेडिट पहले तो परचेस करना होगा दोस्तों। उसके बाद 3 क्रेडिट में अगर आपके पास कोई सैमसंग मोबाइल फोन का एक्सिनोस प्रोसेसर आया है जिसमें एक्सिनोस चिपसेट लगा हुआ है तो उसमें आपका एक फोन का एक क्रेडिट कट होता है। बट दोस्तों, अगर सैमसंग मोबाइल फोन में क्वालकॉम चिपसेट लगा हुआ है तो क्वालकॉम चिपसेट के लिए उसमें 3 क्रेडिट कट होता है। मतलब एक फोन अनलॉकिंग करने के लिए आपको एक्सिनोस प्रोसेसर है तो 1 क्रेडिट लगेगा, अगर उसमें क्वालकॉम प्रोसेसर है तो उसमें 3 क्रेडिट आपका कट होगा एक फोन का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कि आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका सेटअप, और कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी ये सैम की क्रेडिट परचेस करना है तो दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। आपको वहां पे पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से मॉडल सपोर्ट होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसमें आप डायरेक्टली वहां पे जाके क्रेडिट आप परचेस कर सकते हैं सैम की का, या तो आप हमें डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हाँ आपको हम गाइड भी कर देंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको क्रेडिट कैसे लेना है उसके बारे में भी हम आपको
डिटेल में बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आप देख सकते हैं। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड दोस्तों जब आप 3 क्रेडिट परचेस करेंगे या 3 से ज्यादा क्रेडिट परचेस करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं, या तो हमें आप कॉल करके भी ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आप परचेस कर सकते हैं, यानी क्रेडिट आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन आईडी दिया हुआ है, ये पासवर्ड दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप पहले टाइम यूज कर रहे हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है आपको। अगर आपको बाद में वापस क्रेडिट परचेस करना है तो सिर्फ आपको लॉगिन आईडी देना होगा, उसके जरिए ही उसमें ही आप क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सेटअप ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको सेटअप डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप डायरेक्टली चले जाए गूगल पे जाके आपको बस सिंपली सैम की टाइप करना है। सैम की जैसे ही टाइप करेंगे वहां पे दोस्तों आपको ये सैम की का वेबसाइट मिल जाएगा, samkey.org। दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाएं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वहां पे आपको सैमसंग ड्राइवर्स के लिए और सैमसंग 2.66.6 का यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर आप ड्राइवर नहीं है सैमसंग का, आपने ड्राइवर नहीं डाला है, तो प्लीज आप सैमसंग का पहले ड्राइवर्स डाल लें, क्योंकि बिना ड्राइवर्स के ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैम की का ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप डाउनलोड करके रखा है, तो चलो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड हो चुका था पहले ही मेरा, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा क्लियर कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा क्लियर करके यहाँ पे ये सेटअप आ जाएगा, इसको आपको बस क्लिक करके सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इसका ऑलरेडी मैंने सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मेन सेटअप है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसका मेन सेटअप आ चुका है। इससे पहले मेरे को लॉगिन आईडी पासवर्ड इसका कॉपी करना होगा, यहाँ से मैं इसका लॉगिन आईडी ले लेता हूँ। और ये इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड में डाल देता हूँ। दोस्तों आप ये लॉगिन आईडी पासवर्ड बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि ये मैंने डेमो अकाउंट के लिए बनाया है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लॉगिन आईडी, ये यूजर नेम पासवर्ड आप बिल्कुल यूज ना करें। आप नया ले लें, क्योंकि इसका एक्टिवेशन कोई चार्जेस तो है नहीं, सिर्फ आपको क्रेडिट खरीदना है और वही लॉगिन आईडी आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों सिंपली आप लॉगिन कर लें। यहाँ से जैसे ही लॉगिन होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस इसमें जीरो है, क्योंकि ये डमी अकाउंट है। आपने जितना क्रेडिट परचेस किया है वो यहाँ पे आपको क्रेडिट शो करने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको कैसे इसको सेटअप करना है और कैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भी एक मेंबर बन जाए। आपको ऐसे ही नए नए चीज़ों के बारे में मैं डिटेल देते रहूँगा और ऐसे ही नए नए चीज़ों के बारे में आपको बताता ही रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।